इस वीडियो में स्पेशली इस चीज़ पर बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल हैं कि भाई इंडिगो एयरलाइंस में 30 किलो लगेज है तो इसको एक पीस में ले जाएंगे या दो पीस में, और अगर हमें इंडिगो एयरलाइंस में एक्स्ट्रा लगेज बुक करना है, एक्स्ट्रा लगेज ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम यही दो चीज़ देखेंगे जो इस पर तमाम कन्फ्यूजन है कि हमको लगेज 30 kg एक बैग में ले जाना है या दो बैग में, और अगर हमें एक्स्ट्रा लगेज ले जाना है तो वो हम किस तरह से बुक करेंगे ऑनलाइन। मैं हूँ आपका दोस्त एम खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखें, इंटरनेशनल लगेज में इंडिगो एयरलाइंस आमतौर पर 30 किलो लगेज देती है, और अक्सर करके जब आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इसका यानी कि इंडिगो का टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है और इस वेबसाइट का नाम है अल मुसाफिर। इस वेबसाइट से भी आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं, और इसकी खासियत यह है कि इस वेबसाइट पर सभी एयरलाइंसों के टिकट आपको मिल जाएंगे। कहीं कभी आपको टिकट चाहिए, उस डेट का पूरा टिकट आपको अवेलेबल रहेगा, वाया भी, डायरेक्ट भी, जितनी भी फ्लाइटें अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखें, इंडिगो का एक टिकट यहाँ पर दिख रहा है और इसमें जो बैगेज है लगेज वो दो पीस बता रहा है, यानी कि 15 kg का दो पीस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी आप किसी और वेबसाइट से देखेंगे तो हर जगह आपको दो पीस ही बताएगा। यहाँ तक कि अगर आप एजेंट से भी बुक करते हैं इंडिगो एयरलाइंस का टिकट तो वो भी आपको बताएगा कि 15 kg का दो पीस आप ले जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको इंडिगो की वेबसाइट दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आप देखें इंडिगो की वेबसाइट पर नीचे लिखा हुआ है कि सिर्फ एक पीस ही अलाउ है, अगर आप एडिशनल बैगेज ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रियाल कम से कम चार्ज पड़ेगा आपको। ये 100 रियाल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पर 100 रियाल ही आपसे लेते हैं। और ध्यान रखें, ये 100 रियाल चार्ज जो है सिर्फ दो पीस में ले जाने का है, एक्स्ट्रा लगेज नहीं, यानी कि ज़्यादा वजन नहीं, 30 kg ही आपका वजन रहेगा। लेकिन अगर आपको उसको दो बैग में ले जाना है तो यहाँ सऊदी अरब के अंदर आपको 100 रियाल चार्ज देना होगा एयरपोर्ट पर। हाँ, अगर आपको 30 kg के अलावा भी एक्स्ट्रा लगेज ले जाना है और आपको दो बैग में ले जाना है तो पहले तो दूसरी बैग का 100 रियाल चार्ज दीजिए, और फिर 3 किलो का 181 दिरहम, ये दिरहम है, फिर से समझ लें कि 30 kg जो इंडिगो एयरलाइंस का आपका लगेज है वो एक ही बैग में जाएगा, दूसरी बैग में आपको ले जाना है तो उसके लिए 100 रियाल एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और वजन जो है आपका सेम रहेगा। ज़्यादा वजन ले जाना है, 3 किलो आपको ज़्यादा ले जाना है तो लगभग 190 रियाल के आसपास आपको चार्ज देना होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 3 किलो 5 किलो एक्स्ट्रा लगेज ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन, तो इसका भी तरीका यहाँ पर देख लें। तो जब आप अपना टिकट बुक कर लेंगे तो आप अपने टिकट में देखेंगे ऊपर ही आपको रेफरेंस नंबर या PNR नंबर मिलेगा। तो PNR नंबर या रेफरेंस नंबर, इसके अलावा आपके नाम का आखिरी हिस्सा, आधा हिस्सा आपके काम में आएगा। जैसे कि आपका नाम और सरनेम होता है तो दोनों में से कोई एक आपके PNR नंबर के साथ में मैच करेगा। और इसको आप किस तरह से करेंगे, आप जाएं गूगल पर या किसी भी ब्राउजर पर, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं वहाँ पर जाएँ, इस तरह से लिखें सो माई बुकिंग इंडिगो, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं माई बुकिंग इंडिगो, और इसको लिखने के बाद में सर्च कर लें। सर्च करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा माई बुकिंग इंडिगो वाला, और इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह से पेज आएगा, ऊपर आपको अपने टिकट का PNR नंबर या रेफरेंस नंबर डालना है, और नीचे आपको अपने नाम का आखिरी नाम डालना है, और आखिरी नाम कोई भी हो सकता है, बुकिंग में आपने जो भी डाला हो। तो चाहे तो आप अपना सरनेम पहले डालकर ट्राई कर लें PNR नंबर, या अपना नाम और PNR नंबर डालकर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे जो ब्लू वाला ऑप्शन है रिट्रीव वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके टिकट की पूरी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर इसको स्क्रॉल करें और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आप देखेंगे 6 तरह के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, और एक ऑप्शन में कई ऑप्शन यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। अब जैसे अभी यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कैंसिल बुकिंग का, कैंसिल फ्लाइट का, या चेंज फ्लाइट का भी ऑप्शन है, या आप सीट चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल यानी कि मोबाइल नंबर या ईमेल वगैरह कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे, जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। देखें, दूसरे नंबर पर ऑप्शन है 6E Add Once, तो ये वाला ऑप्शन है एडेड वन वाला, इसी पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखें दूसरे नंबर पर ऑप्शन है एडेड स्नैक एंड बैग, तो इस पर आप क्लिक करते हैं, यहीं से हम लगेज बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इंश्योरेंस का ऑप्शन है, अगर आप अपने बैगेज के लिए इंश्योरेंस चाहते हैं यानी कि
जैसे कि आपका बैग जो है गुम हो जाए तो उसकी भरपाई करने के लिए, तो उसका भी ऑप्शन है। और इसके अलावा ऊपर से देखेंगे चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर बैगेज बढ़ाने का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सीज बैगेज एडिशनल पीस, यानी कि वजन भी बढ़वा सकते हैं। इसके अलावा बैग की पीस भी बढ़वाना चाहते हैं, एक बैग दो बैग, तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहीं पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले बता रहा है 181 दिरहम 3 किलो का, तो ये दिरहम जो है लगभग रियाल के आसपास ही है, तो जो भी लिखा है इसको आप उतना ही समझें। और इसके अलावा 5 किलो का 303, और यहाँ पर 10 किलो का भी 605, और 15 किलो का 907, 20 किलो का 1210 और 30 किलो का 1815 है। तो जो भी आप जितना भी बढ़वाना चाहते हैं आप चाहें तो इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वज़न नहीं बढ़वाना है और सिर्फ आपको अपनी बैग दो करनी है तो नीचे देखें बैग का भी ऑप्शन है। अभी यहाँ पर जीरो है, यानी कि एक बैग आपको मिली है उतनी ही। अगर आप दो बैग ले जाना चाहते हैं और 30 किलो ही वज़न रखना चाहते हैं, नहीं बढ़वाना चाहते वज़न, तो यहाँ प्लस वाले मार्क पर क्लिक कर दें तो ये एक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर 3 किलो वाले पर भी क्लिक कर देता हूँ और नीचे प्लस पर भी, यानी कि एक बैग एक्स्ट्रा और 3 किलो लगेज भी एक्स्ट्रा। अब ये भी ध्यान रखें कि अगर आप 3 किलो अपना लगेज बढ़वाते हैं तो आपको मजबूरन एक बैग एक्स्ट्रा बढ़ानी ही पड़ेगी, यानी कि आप एक बैग में 33 किलो नहीं ले जा सकते। 33 किलो ले जाने के लिए आपको दूसरी बैग ले ही जानी होगी, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट में जो कि इकोनॉमी में आपको लगेज देती है, इकोनॉमी क्लास में, एक बैग में 32 केजी लगेज से ज़्यादा अलाउ नहीं करती। तो चूंकि यहाँ पर 30 केजी आपको पहले से ही मिल रहा है, अगर आप 3 किलो और बुक करते हैं तो आपको दूसरी बैग का भी चार्ज देना होगा। तो ये तो आप कर सकते हैं कि आपका वज़न 30 किलो ही रहे और आप दूसरी बैग बुक कर लें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपका एक ही बैग अलाउ हो और आप 3 किलो एक्स्ट्रा लगेज बुक कर लें, तो ये नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है फिलहाल में एक बैग एक्स्ट्रा और एक 3 किलो का पैकेज भी एक्स्ट्रा, यानी कि 3 किलो लगेज भी एक्स्ट्रा। ये करने के बाद में नीचे यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बैगेज जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें इंश्योरेंस चूज करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन आई एम नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक कर देंगे, फिर आप पहुँच जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर देखें फिनिश का ऑप्शन है, और अगर आप फिनिश करना चाहते हैं यानी कि इसके लिए पे करना चाहते हैं तो आप फिनिश पर क्लिक कर दें। और अगर आप वैसे ही रहना चाहते हैं जितना आपका टिकट बुक हुआ था, उतना ही आपका मन बदल गया है, आप नहीं बढ़वाना चाहते लगेज वगैरह, तो यहाँ रीसेट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ मैं फिनिश पर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे बढ़वाना है। अब यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो हम पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, यानी कि कुछ पेमेंट जो टिकट मैंने जब बुक किया था उसका पेमेंट हो ही गया था, अब जो मैंने अभी बढ़ाया है उसका पेमेंट जो है बचा हुआ है, तो फिनिश पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और पहुँच जाएंगे अगले पेज पर। यहाँ हमें पेमेंट करनी है और पेमेंट वैसे ही करनी है जैसे कि और चीज़ों की ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं, यानी कि कार्ड से। तो ऊपर आपको अपने कार्ड का नंबर डालना है, नीचे एक्सपायरी मंथ, और ये आपके कार्ड पर लिखा रहता है कि किस महीने में आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, और फिर यहाँ पर एक्सपायरी ईयर, यानी कि आपका कार्ड किस साल में एक्सपायर हो रहा है, ये भी आपके कार्ड पर लिखा रहेगा। फिर जो आपके कार्ड पर नाम लिखा है वो डाल दें, और कार्ड के पीछे जो ब्लैक पट्टी रहती है वहाँ पर CVV नंबर रहता है 3 अंकों का, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में नीचे यहाँ पे नाउ वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, उस मोबाइल नंबर पर जो ATM कार्ड में लगा होगा, उस पर एक OTP आएगा, और यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में वो OTP आपको डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ है। वो डालने के बाद में नीचे सबमिट पर या ओके पर या पे नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपके कार्ड से उतने पैसे कट जाएंगे और आपका लगेज जो है बुक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।